हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रहलाद शर्मा। कैसे हैं आप लोग? तो आज के लेक्चर में हम क्लास एम्फीबिया के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास एम्फीबिया के बेसिक कैरेक्टर्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। जितने एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए थे उसके कंपेयर में हमने काफी ज्यादा कैरेक्टर डिस्कस किए थे। यू मस्ट रिमेंबर इन पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि हमारे जो पूरा जो इवोल्यूशन है, एनिमल इवोल्यूशन है, इसमें एम्फीबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बार वाटर से निकलकर लैंड पे आने वाले जो एनिमल थे वो हमारे एम्फीबियन थे। हालांकि आज की डेट में एम्फीबियंस के जो स्पीसीज हैं उनका नंबर काफी कम है। अप्रोक्सीमेट 3000 स्पीसीज क्लास एम्फीबिया के अंदर इंक्लूड की जाते हैं। तो आज हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्यूफो। ब्यूफो साइंटिफिक नेम है और इसका जो कॉमन नेम है वो है टोड। अभी ब्यूफो आपने कई बार देखे होंगे, आपने अपने घर के पोर्च में कई बार नाइट के समय इनको देखा होगा, ये रात में कई बार जो है ब्यूफो वहां पे आ जाते हैं। तो ये ब्यूफो जो है इसे हम जनरली टोड के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका टोड है। ये इसे हम कॉमन टोड भी बोलते हैं, कुछ स्कॉलर इसको जो है इंडियन टोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी, वो मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। इसकी बॉडी में आपको थोड़ा सा हैवीनेस दिखाई देगा, आपको छोटे 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 आपको जो है डार्ट जैसे स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में, मसे जैसे स्ट्रक्चर आपको जो है इसकी पूरी एंटायर बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये वाटर में काफी कम जाता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है इसे रेनी सीजन में, उस समय ये वाटर की सरफेस पर जाता है, अदरवाइज अपना काफी ढेर सारा टाइम जो है वो लैंड पर ही सर्वाइव करता है, ठीक है। इट बिकम क्लियर। अब इसकी जो स्किन है उसमें आपको पॉइजन ग्लैंड देखने को मिलेगी। तो टोड जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर ये पॉइजनस होते हैं, ये डॉग या कोई कैट इनको यदि खा लेता है तो इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये बेसिकली नेक्टोरल लाइफ सर्वाइव करते हैं, और घर के पोर्च में आपने नाइट में इनको किसी लाइट के सामने इनको देखा होगा। इट बिकम क्लियर, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो दिन के समय क्या होंगे, छुपे हुए रहेंगे अंधेरे में, और नाइट में ये शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए जो है बाहर आ जाते हैं। कई ढेर सारे इनके एनिमी होते हैं, जैसे इनको सांप खा लेते हैं, या इसको जो है जो स्नेक होते हैं जो वो इनको खा लेते हैं, या कई बर्ड्स जो होते हैं वो इन्हें खा जाते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राणा टिगरीना। ये कॉमन इंडियन फ्रॉग के नाम से जानते हैं, या इसे हम इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले टोड देखा था, इसकी बॉडी कैसी थी, हैवीनेस था बॉडी में, माउथ में शार्पनेस नहीं था, ठीक है। और पूरी स्किन जो है इसकी आपको रिंकल नुमा दिख रही थी, रिंकल टाइप दिख रहे थे, उसमें झुर्रियां दिख रही थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसका हेड थोड़ा सा पॉइंटेड दिखाई देगा आपको, और ये दिन में एक्टिव होता है, ये रात में एक्टिव नहीं होता, ये ड्यूरनल टाइप का एनिमल होता है। और बेसिकली आपको पॉन्ड्स के अंदर, रिवर के अंदर ये तालाबों में तैरते हुए दिख जाएंगे, या उनके किनारे बैठे हुए दिख जाएंगे। कई बार आप जाते होंगे ना तालाब या नदी किनारे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आपको देखकर कुछ फ्रॉग जो है जंप करके पानी में चले जाते हैं, तो ये हमारे फ्रॉग है। तो यदि अब आप फ्रॉग और टोड को देखेंगे तो आप उसमें अंतर कर सकते हैं ना, क्या अंतर कर सकते हैं अब वो देख लेते हैं। पहले तो मैं जनरल बेसिक बातें बता देता हूँ कि ये वाटर सोर्सेस के पास रहते हैं, ब्यूफो वाटर सोर्सेस के पास बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो रेनी सीजन में ही जो है वाटर सोर्सेस पर प्रोडक्शन करने के लिए
जाते हैं, अदरवाइज वो वाटर सोर्सेज के पास नहीं रहते। ये हमारे वाटर सोर्सेज के पास रहेंगे, नदियों के किनारे रहेंगे, तालाब के किनारे रहेंगे ये, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए इनके कलर को देखिए, इसका कलर कलर जो आपको कैसा दिख रहा है, आपको एलमंड कलर दिख रहा है, बादाम जैसा कलर दिख रहा है इसका, जबकि ये हमारा बेसिकली ओलिव ग्रीन कलर का देखने को मिलता है फॉग। ये रात में एक्टिव होता है, नेक्टुरनल लाइफ सर्वाइव करता है, और ये दिन में एक्टिव रहता है, डिउरनल लाइफ सर्वाइव करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो हेड है वो सेमी सर्कुलर दिखेगा आपको, जबकि इसका हेड जो होता है वो आपको ट्रायंगुलर दिखाई देता है। इसकी बॉडी में आपको हैवीनेस फील होता है, लेजीनेस फील होता है, जबकि इसमें ऐसा फील नहीं होता है। ये पॉइजनस होता है, जबकि हमारा फ्रॉग जो होता है ये पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम राणा टिग्रीना है इसका, कॉमन नेम इंडियन बुल फ्रॉग है, ठीक है। और इसमें मेंटो मैकेनिकल बोन जो होती है वो इसमें देखने को मिलती है, ठीक है, जो हमारी लोअर जॉ है इसकी, उसके टिप वाले पोर्शन में ये बोन देखने को मिलती है। ये कभी किसी एग्जाम में पूछा था, इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइला। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉग, बहुत ही छोटा सा पतला सा डार्क ग्रीन कलर का लाइट वेटेड ये फ्रॉग जो है हमें देखने को मिलता है। और हमारे महाराष्ट्र के जो कोंकण वाला जो रीजन है, कोंकण वाला रीजन है वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा साउथ इंडिया के जो मालाबार रीजन है वहां पर इसको ये देखने को मिलता है। हमारे अन्नमलाई जो माउंटेन्स हैं, रेंज है साउथ इंडिया में, केरला में, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा वर्ल्ड के कई जो है एरिया में आपको ये हाइला देखने को मिलता है। ये ट्री के ऊपर लाइफ सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेड होता है। इसकी बॉडी काफी थिन होती है, इसके लेग काफी लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और ये काफी अच्छी जो है इसकी ग्रिप होती है, और ये अच्छी जंप भी मार सकता है ये फ्रॉग, ठीक है। और जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब इसमें काफी बड़े वोकल कॉर्ड्स आ जाते हैं, तो देखा होगा अर्ली रेनी सीजन में फ्रॉग आवाज करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक सुंदर सा ब्यूटीफुल वायलेट कलर का जो है एक बलून जैसा स्ट्रक्चर मेल के इस रीजन पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे हाइला में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी कुछ वेराइटी पेरेंटल केयर करती है, मतलब अपने बच्चों का जो है केयर करती है, ये देखने को मिलता है इसमें। कोई भी एम्फीबियन हो, सभी एम्फीबियन रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में ही जाएंगे, भले ही वो कहीं पर भी रहते हो। इट बिकम क्लियर? तो हाइला क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको हाइला, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी तक हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं सब एनसीईआरटी मेंशन है। अब हम बात करेंगे सेलेमेंड्रा, साइंटिफिक नेम इसका सेलेमेंड्रा है, और इसका जो कॉमन नेम है वो सेलेमेंडर है। सेलेमेंडर की कई ढेर सारी वेराइटियां हमें जो है लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। उसमें से मोस्ट पॉपुलर जो वैरायटी है वो है हमारी टाइगर सेलेमेंडर। तो आपको सामने जो दिख रहा है वो टाइगर सेलेमेंडर है। ये देखने में लिजार्ड जैसे होते हैं, वॉल लिजार्ड जैसे होते हैं, छिपकली या पाल जैसे होते हैं, और इनमें हमको एक बड़ी अजीब सी फिनोमेना देखने को मिलती है, जिसे कि हम न्यूटेनी या फिर इसे हम टैडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमें बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, मैंने बताया आपको लेटिन अमेरिकन कंट्री में देखने को मिलते हैं। ये देखने को मिलेंगे आपको मैक्सिको में, पनामा में, ब्राजील में, कोलंबिया में, यहाँ पर ये हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं सेलेमेंडर। कॉमन नेम सेलेमेंडर, साइंटिफिक नेम सेलेमेंड्रा, और ये नदियों किनारे पानी किनारे रहते हैं ये एनिमल, काफी सुंदर ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं। अब इसके बाद इक्योफिस, इट इज ऑल्सो नोन एज द लिम्बलेस एम्फीबिया। अब देखिए ये पानी के नीचे जो कीचड़ होता है, जो दलदल होता है, जो मार्स सी लैंड होता है उसमें ये रहता है, ठीक है। इसमें आंखें नहीं होती हैं, आई अब्सेंट इन द इक्योफिस, एंड हेंस द इक्योफिस इज नोन एज
ब्लाइंड एम्फीबियन ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ आई, इसमें आए नहीं है इसलिए इसे हम ब्लाइंड एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, पहला तो ये। दूसरा, हम देखते हैं कि एम्फीबियंस में स्केल नहीं होते हैं, स्केल फिश में थे पर एम्फीबियन में नहीं है, बट इसके कुछ पोर्शन में हमें स्केल देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इस एनिमल को हम फिश और एम्फीबियंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एम्फीबियन के भी कैरेक्टर है, इसमें फिश के भी कैरेक्टर है, इसमें गिल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ एम्फीबियन में हम क्या देखते हैं कि गिल्स जो होते हैं वो आपको लार्वा में देखने को मिलेंगे, और एडल्ट में आपको जो लीफ जो क्या बोलते हैं उनको गिल्स है वो बेसिकली डीजनरेट हो जाते हैं, उनकी जगह हमें दूसरे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी बात और है कि जितने भी एम्फीबियंस हैं सब में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, पर हमारा ये ब्लाइंड वर्म या ब्लाइंड एम्फीबियन है हमारा एक्टियोफिस, इसमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक अजीब बात इसमें एक और भी है कि यहाँ पर फीमेल्स में पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, मतलब कि फीमेल अंडे देती है और अंडे देने के बाद जब उसमें से बच्चे जब तक नहीं निकलते हैं तब तक वो अंडों के पास बिल्कुल कोइल करके बैठी रहती है, अंडों को छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल, तो हम क्या देखते हैं इसमें हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम थोड़ा सा अब आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहे हैं, जनरल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, यदि आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन आएगा तो जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बाहर नहीं जा सकता, जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया ये एनसीईआरटी के अंदर का है, ये तो आपको लर्न करना ही करना है, पर इसके अलावा जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और ये आपको याद होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं हम इसको भी स्टूडेंट्स, जैसे कि गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखने को मिलता है और ये बहुत ही पॉइजनस फ्रॉग होता है। फ्रॉग में तो एक चीज आप याद रखिए, जो फ्रॉग जितने ज्यादा ब्यूटीफुल कलर्स का होगा तो वो उतना ज्यादा पॉइजनस भी हो सकता है, तो किसी भी सुंदर फ्रॉग को जो है आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये इतना पॉइजनस है आप इसे हाथ भी लगाएंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसे फ्रॉग को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये गोल्डन पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉइजनस एनिमल होता है, सबसे ज्यादा जो है ये जहरीला जानवर होता है ये। ठीक है, इसके स्किन की जैसे जो पॉइजन निकलता है उसका एक छोटा सा ड्रॉप कई लोगों की जान ले सकता है। नेक्स्ट है रेकोफोरस, ये फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से जानते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि इसकी जो पैरों की जो लिम्ब्स होती हैं वो काफी लंबी लंबी होती हैं, उनके बीच में जो हम देखते हैं कि उसके बीच में जो मेम्ब्रेन है वो काफी लार्ज होती है, और ये एनिमल बहुत ही इजीली बहुत जंप कर सकते हैं, बहुत दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं, और ग्लाइड करके एक ट्री से दूसरे ट्री पे जा सकते हैं, इसलिए इसे हम फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से जानते हैं। ये कौन सा हो गया, ये हमारा फ्लाइंग फ्रॉग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है एराइटस, और इसका कॉमन नेम बहुत ही प्यारा है स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम है मिड वाइफ टॉग। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एक तो क्या होता है कि इसमें पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा डेवलप होती है, बेसिकली फ्रॉग जो होते हैं वो पानी के ऊपर फर्टिलाइजेशन करते हैं और वो अपने अंडों को पानी में एक जेली से कोटेड करके दे देते हैं, रख देते हैं, परंतु ये ऐसे फ्रॉग होते हैं इनको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं होता, ये अपने अंडों को ही छोड़ते नहीं है। यहां पर मेल जो होता है
वो बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर में अपना रोल प्ले करता है। फीमेल तो अंडे देके चली जाती है, पर मेल क्या करते हैं कि इन अंडों को अपनी अमानत समझ के उनको अपनी बॉडी पर जो है रख के घूमते फिरते रहते हैं, जब तक इनमें से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक। तो आप देखेंगे ना इसमें पेरेंटल केयर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना यहाँ पेरेंटल केयर आपको। देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा ना, एक मेल एराइटस है जो अपने अंडों को, जो इसकी फीमेल ने अंडे दिए हैं उन अंडों को अपनी बॉडी पर रखकर घूमता फिरता रहता है, ताकि इसके अंडों को कोई भी जो है प्रीडेटर खाए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है पीपा अमेरिकाना, इसे हम सुरीनाम टॉड के नाम से जानते हैं। नीचे जरा डायग्राम देखिए, आपको फ्रॉग दिख रहा होगा, कुछ कुछ दिख रहा होगा, एक्चुअली इसका कलर ही ऐसा होता है, इसका बॉडी डिजाइन ही ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके वेंट्रल पोर्शन में एक पाउच होता है, और उस पाउच में ही अपने अंडों को रख लेता है और अपने अंडों के लिए घूमता फिरता रहता है। ठीक है, फीमेल ने अंडे दिया, अंडों को क्या किया इसने अपने पाउच में रख लिया, बॉडी के अंदर रख लिया, एलाइटस तो बॉडी के ऊपर रख रहा था, इसने बॉडी के अंदर रख लिया अंडों को। फिर बाद में जो है अंडों में से हैचिंग होता है, बच्चे निकलते हैं, तो ये बच्चों को बर्थ करता है, बच्चों को पैदा करता है ये। ठीक है, तो ये इसमें जो है एग को ये कैरी करता है। अब इसमें ये मेल बच्चे दे रहा है, मतलब मेल क्या हो गया यहाँ पर सेकेंडरी विविपेरस हो गया ना, और इनमें टंग अब्सेंट होती है, इनमें टंग नहीं होती और माउथ भी इनका बहुत रिड्यूस होता है। ठीक है, तो बड़े अजीब टाइप के फ्रॉग होते हैं सुरीनाम टॉड। नेक्स्ट डिस्कोग्लॉसस, नाम कितना बेहतरीन है ना, डिस्को ग्लॉसस, यह इसका अल्टरनेट नेम है बोम्बिनेटा। कितने प्यारे प्यारे नाम है इसका। तो कॉमन नेम क्या है इसका, फायर बेरीड टॉट। अब फायर बेरीड टॉट क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम देख के समझ में आएगा आपको। इसके नीचे का जो कलर होता है वो रेड ब्लैक कलर का होता है, ऊपर का येलो कलर होता है। ऐसा लगता है जब भी ये खड़ा होता है चलता है कि इसके नीचे से फायर जल रहा है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है सर, तो इट्स अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन। जब भी कोई प्रे इसके पास आने की कोशिश करे तो फायर की फीलिंग करके वो यहां से भाग खड़ा हो, क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं वो सभी आग से तो डरते ही डरते हैं ना। इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर प्रोटेक्शन। अब जेनोपस, ये अफ्रीकन टॉड है, देखो रंग रूप से भी अफ्रीकन ही दिख रहा है आपको। तो ये जो है जैसे हमारे यहाँ जो कॉमन टॉड जो है निकल आते हैं घर के पोर्च में, और आपने स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ फ्रॉक को देखा होगा, तो वो हमारे कॉमन टॉड होते हैं जिन्हें ब्यूफो के नाम से, जब साइंटिफिक में जिनका ब्यूफो है, उसी तरह अफ्रीका में आपको ये वाले टॉड जो है देखने को मिलेंगे सब जगह। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन नियोटेनी के ऊपर कर लिया जाए। नाम भी थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पहली बार आपने सुना होगा, पर इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमारे नीट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आए, और जब आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको 100% इसमें से एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली नियोटेनी क्या होती है समझो इसको, हमारा जो सेलेमेंडर अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि जो सेलेमेंडर वहां दिख रहा था डायग्राम में वो कौन सा था, टाइगर सेलेमेंडर। तो टाइगर सेलेमेंडर जो होते हैं, मतलब मोस्टली जो सेलेमेंडर होते हैं, ये सेलेमेंडर जो है एक फिनोमिना को एग्जिबिट करते हैं जिसे हम न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। अब न्यूटेनी का मतलब होता है क्या, जरा सुनिए। एक्चुअली क्या होता है कि इन फ्रॉग के अंदर जितने भी एम्फीबियन होते हैं, सभी एम्फीबियंस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि आपको डेवलपमेंट में लार्वा फेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए अभी फ्रॉग में एक बात और है, एम्फीबियंस में एक बात और है,
यदि आप लोगों ने लोअर क्लास में क्लास के अंदर छोटी क्लासों में आपने थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा जो हमारे नेक रीजन प्रेजेंट होती है, और ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है और इस हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। यही हार्मोन एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस कराता है, और इस हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे सलामेंडर ऐसे एरिया में रहते हैं, लेटिन अमेरिका के ऐसे रीजन में रहते हैं जहां वाटर सोर्सेस में आयोडीन बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होता है कि इन एनिमल्स को जितना आयोडीन चाहिए लार्वा को उतना आयोडीन मिलता नहीं है। आयोडीन कम मिलेगा तो थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन कम बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर कि किसी भी स्पीसीज में मेटामॉर्फोसिस का फेलियर हो जाना ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से मेटामॉर्फोसिस कैंसल हो जाए, मतलब कि लार्वा एडल्ट में तब्दील नहीं हो पाए, चेंज नहीं हो पाए। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी के नाम से जानते हैं, मतलब कि लार्वा ही बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसा कैसे ही वो एडल्ट में उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? नियोटेनी के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए आपको यहां पे जो है आप देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्सोलोट्स लार्वा दिख रहा है, ये टाइगर सलामेंडर का लार्वा है। वाटर सोर्सेस में पानी की कमी थी, सॉरी आयोडीन की कमी थी, तो ये एडल्ट में तब्दील ही नहीं हो पाया, ये सीधा सीधा लार्वा स्टेज में सर्वाइव कर रहा है। तो देखिए इसके आपको यहां पे दिख रहे हैं पोलियम दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना इसके गिल्स है जहां से वाटर बाहर निकल रहा है, निकलेगा, तो इस तरह से ये अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। ठीक है, तो लार्वा का एडल्ट में चेंज नहीं हो पाना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? नियोटेनी के नाम से जानते हैं। तो नियोटेनी मींस अरेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट अब देखिए यहां पर डायग्राम में देखिए, जैसे ये अंडे हैं, अंडों से लार्वा बने, लार्वाओं से एडल्ट बना। फ्रॉग में देखा है आपने ऐसा, फ्रॉग में क्या देखा आपने? ये अंडे, अंडे से जो लार्वा बनता है फ्रॉग के अंदर, उस लार्वा को हम टैडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। ये टैडपोल लार्वा आपने रेनी सीजन में पानी में तैरते हुए देखे होंगे, जरा देखो याद कीजिए, किसी गड्ढे में पानी भर जाता है ना, इस तरह के आपने लार्वा वहां पर तैरते हुए देखे होंगे। ये फ्रॉग के लार्वा हैं, इनको हम टैडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं, और टैडपोल लार्वा जो होते हैं फिर बाद में जो है फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए सिलेमेंडर में भी यही होता है सेम, ये अंडे हैं, अंडों से जो है यहाँ पे एक्सोलोट लार्वा बनेगा, और एक्सोलोट लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन नॉट प्रोड्यूस इन प्रॉपर अमाउंट और सफिशियंट अमाउंट, एंड हेंस दिस मेटामॉर्फोसिस बिकम अरेस्ट एंड लार्वा थ्रू आउट लाइफ सर्वाइव इन द लार्वल स्टेज। तो आप देखिए लार्वा लार्वल स्टेज में थ्रू आउट लाइफ सर्वाइव करेगा, तो इसे हम एक्सोलोट लार्वा के नाम से जानेंगे। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो नियोटेनी क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट पैडोजेनेसिस के बारे में। तो पैडोजेनेसिस देखिए, अब लार्वा जो है एडल्ट में तो तब्दील नहीं हुआ, वो ऐसे ही बड़ा हो गया, लार्वा स्टेज में बड़ा हो गया। यदि इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए और ये रिप्रोडक्शन लार्वा ही रिप्रोडक्शन करना चालू कर दे, तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे पैडोजेनेसिस। यहां पे स्टूडेंट स्पेलिंग का ध्यान रखिए, ये हमारे नीट वाले बहुत बदमाश होते हैं, PAEDO पैडो, GENESIS जेनेसिस, इसका मतलब होता है क्या? डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन द लार्वा ऑफ एनिमल। ठीक है, एक होता है PEDO पैडो, GENESIS जेनेसिस, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही पेडोजेनेसिस बोला जाता है इकोलॉजी के अंदर। वहां स्पेलिंग क्या होगी? PEDO GENESIS जेनेसिस, ठीक है, मींस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
पैडोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल, और यहां पर जूलॉजी में पैडोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन द लार्वा। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैं बोर्ड पे भी ये सब कुछ डिस्कस कर सकता था, पर सुनना, विजुलाइज करना बहुत मजेदार होता है स्टूडेंट्स, इससे जो याद होता है वो अच्छा याद होता है। इसलिए मैंने इस तरह की काफी मेहनत करके स्लाइड प्रिपरेशन किया आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी को अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक तो कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।